side compartment about the ये वाला compartment पे आया। Hi guys, welcome to my channel मैरी reviews। तो आज मैं एक special backpack की unboxing लेके आया हूँ। तो मैंने अभी मुझे recently package receive हुआ है। तो open करके दिखाता हूँ कौन सा backpack है। तो ये रहा हमारा बैकपैक। ये है द एमआई सिटी बैकपैक। यहाँ पे एमआई का लोगो भी है। तो ये बाकी का भी पैकेज मैं जरा खोल ही देता हूँ। तो सबसे पहले अगर पढ़ें तो इसकी एमआरपी लिखी है समवर्ट 1800 रुपीज। मुझे सेल के ड्यूरिंग 1500 रुपीज का पड़ा है। तो जो अभी भी चाह रहे हैं तो 1800 रुपीज का मैं एंड में बताता हूँ वर्थ है या नहीं है। 1500 में तो ये वन ऑफ द बेस्ट डील्स है जहां तक मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा एमआई का बैकपैक। काफी ही ज्यादा लाइट वेट है, ज्यादा भारी नहीं है टू बी टू से। यहाँ पे हमें मिल जाता है एमआई का यहाँ लोगो जो एक सर्टिफाई करता है कि हाँ ये एमआई का प्रोडक्ट है और एक जनरल प्रोडक्ट है। सो अगर यहाँ पे सर्टिफिकेशन का इन्होंने लिखा है द एमआई सिटी बैकपैक। इसे कुछ लोग अर्बन लाइफस्टाइल बैकपैक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो एमआई वालों ने यहाँ पे अर्बन लाइफस्टाइल लिखा हुआ है। सो अगर उसके बारे में बात करें, इसकी जो भी सर्टिफिकेशन लिखा है वो मटीरियल 100% शेल, 100% लाइनिंग एंड पैडिंग। तो काफी इम्पोर्टेंट साउंड कर रहा है ये। बाकी अब बैकपैक जरा खोल के देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द बैक कंपार्टमेंट जो कि सबसे पीछे वाला है कंपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसी ही ये मे बी प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफी ही ज्यादा जो कि स्पेशियस है। अब अगर हम बैकपैक की बात करें तो सबसे पहले इसके मेन कंपार्टमेंट चेक करते हैं जो कि इसका बैक कंपार्टमेंट है। यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा एम्पल अमाउंट की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे एक स्ट्रैप मिल जाता है जो कि हमारा लैपटॉप एंड एक्सटर्नल थिंग्स होल्ड करेगा। यहाँ पे तुम अपना लैपटॉप रख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें उसके नीचे मिल जाती है फिर एक टैबलेट रखने की जगह यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं एक बार टैबलेट डाल के भी दिखाता हूँ जो कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा टैबलेट पड़ा है। बहुत ही इजीली यहाँ पे तुम्हारा टैबलेट जो कि है फिट आ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस यहाँ पे जो कि हमें मिल जाती हैं कुछ पॉकेट्स जहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर एक्सेसरीज रख सकते हैं। जहाँ पे अगर तुम एक ट्रैवलर हो, स्पेशली अगर लैपटॉप लेके घूमते हो, तो यहाँ पे अपने चार्जर्स एंड एक्सेट्रा रख सकते हो। प्लस अगर तुम्हारे पास कोई भी कंप्यूटर एक्सेसरी, फॉर एग्जांपल वायरलेस माउस है, तो वायरलेस माउस को तुम यहाँ पे इजीली अंदर रख सकते हो। और यहाँ पे तुम चाहो तो अपनी बुक्स एक्सेट्रा भी डाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा जगह है सो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हम मेन कंपार्टमेंट को अब क्लोज करके चलें इसके साइड कंपार्टमेंट की तरफ, तो यहाँ पे अगर हम अब इसके साइड कंपार्टमेंट पे आए तो यहाँ पे अंदर हमें स्पेस मिल जाती है अपने बुक्स वुक्स जैसे कि रख सकते हो तुम लोग। यहाँ पे स्पेशली हमें मिल जाता है मैश पॉकेट फॉर कीपिंग आर स्पेक्स। अगर स्पेक्स डालते हो तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉकेट हो जाएगी तुम लोगों के लिए। तुम्हें अपना जो भी स्पेक्टुलर केस कैरी नहीं करना पड़ेगा हर जगह लेके। यहाँ पे तुम्हें एक पॉकेट मिल जाती है जहाँ पे तुम इजीली अपने स्पेक्स जो की है इंसर्ट कर सकते हो। और ये इसके अंदर मेश पॉकेट है तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जो भी तुम्हारा चश्मा है उसके लेंसेज बिल्कुल खराब नहीं होंगे। मेश पॉकेट है सो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर अगर हम इसके साइड में एक और देखें तो एक और छोटी सी जिप मिल जाती है
जो कि काफी ज्यादा वाइड है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम अपने छोटे मोटे आइटम जैसे कि अपने छोटे मोटे कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, अपने यूएसबी पेन ड्राइव एक्सेट्रा, जो भी छोटी मोटी चीजें हो रख सकते हो। और अब अगर हम आ जाएं इस बैकपैक की एक और साइड पॉकेट के तरफ, तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं हमारा वाटर बॉटल रखने के लिए जगह। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर वाटर बॉटल लीक भी करी तो बिल्कुल वाटरप्रूफ और बिल्कुल बाकी के बैकपैक को गीला बिल्कुल नहीं करेगा। अब इसके अगर हम फ्रंट पॉकेट के बारे में बात करें, तो फ्रंट पॉकेट में भी काफी ज्यादा जो कि है स्पेशियस है फ्रंट पॉकेट भी। और यहाँ पे हमें एक दो तीन पॉकेट मिल जाती हैं, प्लस एक पेन होल्डर मिल जाता है जिसमें तुम अगर कॉलेज लेके जाना चाहते हो तो अपने पेन्स रख सकते हो, एक पेन होल्डर। और यहाँ पे ज्यादातर मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अपने जो भी छोटे मोटे आइटम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल योर पेन्स या फिर तुम्हारे विजिटिंग कार्ड्स हो गए, छोटी मोटी बुक्स हो गई, अगर कुछ लिखा है पेपर पे तो इसके अंदर इजिली इंसर्ट करते हो, इंसर्ट कर सकते हो। काफी ज्यादा जो कि है अच्छी पॉकेट है ये, मतलब तुम अपने जो भी क्विक एक्सेस आइटम्स यहाँ पे रख सकते हो। क्लोजिंग दिस पॉकेट, अगर अब हम बात करें बैकपैक की क्वालिटी की, तो काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी है इसकी। और यहाँ पे हमें लिखा मिल जाता है MI अर्बन लाइफस्टाइल, तो यहाँ से हमें सर्टिफिकेशन हो जाती है कि MI का एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसे फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट हमें नहीं भेजा गया है। देन टॉकिंग अबाउट इट्स जिपर्स की भी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अगर हम जिपर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पे भी हमें MI देखने को MI का लोगो मिल जाता है, प्लस यहाँ पे पीछे एक टेक्सचर है जो काफी ज्यादा अच्छा है और प्रोटेक्टिव है फॉर द जिपर्स। नाउ कमिंग टू इट्स मेन, जो कि मुझे इसमें एक चीज लगी कहीं ना कहीं जो कि इसका कौन होने वाला है, तो वो है टॉकिंग अबाउट इट्स क्विक एक्सेस पॉकेट्स। तो यहाँ पे जो है Xiaomi ने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, दे कुड हैव इजिली गिवन अस यहाँ पे एक छोटी मोटी क्विक एक्सेस पॉकेट दे सकते थे, सो दैट हम अपना छोटे मोटे आइटम्स लाइक कैश यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि ज्यादातर हमें टेक बैकपैक्स में देखने को मिल जाता है। देन टॉकिंग अबाउट बैक पॉकेट, जो कि एक सेफ्टी पॉकेट यहाँ पे होती है, वो भी नहीं मिलती, बट यू कैन एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज विद ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि जो बैकपैक की स्ट्रैप्स हैं वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी ज्यादा वाइड है, तो अगर तुम ज्यादा वेट कैरी कर रहे हो तो ज्यादा भार और बैक पेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस बैकपैक को लेके। सो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू।